नमस्ते। आज हम आपके सामने चॉकलेट पीनट बटर बार बनाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इसे बनाने के लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए हम देखते हैं। ये एक कप हमने भुनी फली ली है, फली का छिलका उतार दिया है। अब हमें इसे ग्राइंडर में पीसना है, बारीक करना, पाउडर बनाना है। एक कप हमने इसी तरह से चॉकलेट ली है, चॉकलेट बार, और उसे बारीक बारीक काट लिए हैं, क्रश कर लिए हैं, और इसे मेल्ट करना है। और ये मेल्ट बटर है और पीसी हुई चीनी है, इलायची है। इन चीजों से हमारी पीनट बटर बार बनेगी। देखिए, हमने फली को भून के छिलका उतार के अच्छा से साफ करके लिया है और अब इसका पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। पीसी चीनी को लेके हमने अच्छा से पीसी बारीक कर लिया है और छन्नी से छान लिया। ये हम आप जितना मीठा ले सकते हो, खा सकते हो, उतना ले लीजिए। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। अब हमको बटर लेना है। ये बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। बटर भी अब 2 टीस्पून बटर है। और बटर इतना अपन को लेना है कि बाइंडिंग हो जाए हमारी, और फिर बाद में दोबारा हम डाल सकते। ये इलायची पाउडर, अब हम इसे बाइंड करेंगे। अच्छा से मैश करके फिर से हम बाइंड करेंगे। देखिए, हमने अब मिक्स कर लिया है, शुगर मिक्स कर लिया है और बटर मिक्स कर लिया। अब हम इसके छोटे छोटे बार बनाएंगे। ये देखिए, शुगर अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम ज्यादा, ज्यादा मीठा। ये देखिए, लेना है अपने हाथ से। आप इसको प्लेट में, ट्रे में सेट करके काट के भी बार बना सकते हैं। ये देखिए, हाथ से बहुत सुंदर शेप आ जाती है। ये देखिए, हमारे शेप आ गई। ऐसे ही करते हुए इसी भी हमारे बार बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। देखिए, हमारे पीनट बार सेट हो गए हैं। फ्रिज में हमने 10 मिनट तक रखा था। अब ये देखिए, हमने डार्क चॉकलेट ली थी, कंपाउंड जिसे कहते हैं, इसे हमने ग्रेटेड करा था। ग्रेटेड करके डबल बॉयलर में हमने मेल्ट कर लिया है। ये देखिए, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें बार को लपेटेंगे और धीरे धीरे कवर करेंगे इसे चॉकलेट से। आराम से करना है ताकि बार हमारी टूटे ना। इसी तरह से हमने सारे बार को मेल्ट करके, ये देखिए, इसमें कवर कर लेना है धीरे धीरे। एक चम्मच लेके दूसरे में जो एक्स्ट्रा चॉकलेट गिर जाए। देखिए, अब हमारे पीनट बार बनके रेडी हो गए हैं। देखिए, सेट हो गए। हमने फ्रिज से 10 मिनट के बाद निकाल लिया है। ये देखिए, बटर पेपर से आसानी से निकल जाते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा है इसमें, उसे हम निकाल देना है इधर से आराम से। ये देखिए, फिनिशिंग कर दे देनी है इसको इधर से भी। ये एक्स्ट्रा जो लगी है चॉकलेट, इसे हमने निकाल दे। रेडी हो गई है ये पीनट बार। देखिए, बिल्कुल लग रही है ना बाजार जैसी, एकदम घर की बनी हुई, एकदम फ्रेश
पीनट बार रेडी हो गई है। इसी तरह से सारी बार को निकाल के रख लेना है और इसे हम फ्रिज में रख के महीना भर तक, एक महीने तक आराम से बच्चों को खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, गेस्ट को भी आते हैं तो उनको दे सकते हैं। ये देखिए मैंने फिनिशिंग कर दी है, आराम से बटर पेपर से निकल जाता है। बनके तैयार हो गई है हमारी पीनट बार, बहुत ही प्यारी बनी है, एकदम फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। अब देखिए हमारी पीनट बार बनके रेडी हो गई है, तैयार हो गई है, हमने प्लेटिंग भी कर दी है इसकी। और अब आप इसकी खा के बताइए कैसी बनी है और टेस्ट करिए और इसे एक महीने तक अपना फ्रिज में रख के बच्चों को खाइए और खिलाइए, बहुत बढ़िया बनी हुई है, बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट आया है। आप देखिए बाजार में तो बहुत महंगी मिलती है और साफ सफाई से भी नहीं बनती है, बहुत प्यारी बनी हुई है। अब आप इसे खा के बताइए और मेरे चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद।